के घेरे में तो है ही। स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या। सारी की मौत को सीधे सीधे हत्या बताया है, जिसकी जांच की मांग अब मुख्तार अंसारी के बेटे के जरिए की जा रही है। मुख्तार अंसारी के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्तार की मौत हृदय गति रुकने से ही हुई है। मुख्तार को दफन कर दिया गया। बड़े मज में, बड़े जमघट, बड़े जुलूस के साथ निकला मुख्तार का जनाजा। मुख्तार का अंत हो गया, लेकिन क्या उसकी सल्तनत का भी अंत हो चुका है? अलग अलग जरियों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार अंसारी के खानदान के पास करीब 15,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति है। अगर ये सच है तो मुख्तार की इस 15,000 करोड़ की सल्तनत का आगे क्या होगा? कौन इसका मालिक होगा? कौन इतनी बड़ी जायदाद को संभालेगा? मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी जेल में है। मुख्तार का छोटा बेटा उमर अंसारी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जमानत पर है। मुख्तार की पत्नी अफशा पर 11 केस हैं, वो फरार है। इनके अलावा मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला अंसारी हैं और अफजाल अंसारी हैं। सिबगतुल्ला पूर्व विधायक हैं, जबकि अफजाल अभी गाजीपुर से सांसद हैं। इन तीनों सीटों में पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की पूरी कहानी सिमटी हुई है। ये वही मुख्तार अंसारी था जो 400 गाड़ियों के काफिले पर चलता था, लेकिन जब अंत हुआ तो गाजीपुर में 4 कंधों पर कब्रिस्तान पहुंचा। मुख्तार का खौफ, रुतबा और दबंगई उसके साथ कब्र में दफन हो गए। लगातार 26 साल तक पूर्वांचल में गदर मचाने वाले मुख्तार अंसारी पर वैसे तो 61 से ज्यादा आपराधिक मामले थे, और इसी वजह से वो साल 2005 से मरते दम तक जेल में कैद रहा। ये वही मुख्तार अंसारी था जिसकी मूछों का ताव देखकर शासन और प्रशासन में मौजूद अधिकारियों के पसीने छूट जाते थे। आज उसकी मैयत पर जब बेटा उमर अंसारी पहुंचा तो उसकी मूछों को वैसे ही ताव देने लगा। देखिए, इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे, और ये परिवार शायद आज़ादी के लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है, तो देखिए न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। वो कोई दयालु सज्जन नहीं थे, वो एक डॉन माफिया का टैग था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो कईयों की हत्या से लेकर उग्राही तक से लेकर बहुत गंभीर मामलों में उनको जेल हुई थी, और जेल में उनकी मृत्यु हुई है हार्ट अटैक से, मेडिकल रिपोर्ट कहती है। किसी ने न्यायिक जांच मांगी तो उसमें न्यायिक जांच मिलने में भी कोई गुनाह नहीं है, वो भी हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है एक डॉन और माफिया युग का अंत हुआ है। मुख्तार अंसारी और उसके रिश्तेदारों की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अलग अलग रिपोर्ट से बताई जाती है, लेकिन कागज पर मुख्तार अंसारी के पास क्या था वो देखिए। 2014 में लोकसभा चुनाव के वक्त दायर हलफनामे में मुख्तार अंसारी ने 18 करोड़ की संपत्ति बताई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में बताया कि उसके परिवार के पास 72 लाख का सोना है, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है और बैंक में कुल 22 करोड़ रुपए हैं। आज की तारीख में मुख्तार अंसारी के नाम सिर्फ एक बैंक अकाउंट है, उसमें 1.25 लाख रुपए की रकम जमा है। हालांकि इसके पत्नी और बच्चों के नाम पर 6 बैंक खाते हैं और उनमें 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम है। लेकिन दूसरा सच ये है कि मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के सदस्यों पर अब तक 155 FIR दर्ज हुई, 600 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, जबकि 2100 करोड़ से ज्यादा का अवैध कारोबार बंद किया जा चुका है। किसी ने कहा है कि कफन में जेब नहीं होती, इंसान अकेला आता है और अकेला ही वापस जाता है। मुख्तार भी ये जानता था, हालांकि उसकी प्रॉपर्टी बहुत से जिलों में फैली हुई है, कई बेनामी संपत्ति हैं, कई रिश्तेदारों और दूसरे लोगों के नाम पर बनाई गई हैं, किसी पर कब्जा हुआ, किसी को जबरदस्ती औने पौने दामों में खरीद लिया गया। उत्तर प्रदेश में मुख्तार की 650 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है या फिर ध्वस्त कर दी गई है।
साल 2020 में गाजीपुर में मुख्तार का गजल होटल ढहा दिया गया। यह गाजीपुर में मुख्तार के ऑफिस की तरह था। इसके बाद मऊ के गाजीपुर तिराहे पर मुख्तार की आलिशान बिल्डिंग भी गिरा दी गई। अब वहां खंडहर बचा है। 2021 में मऊ में भीटी चौराहे पर मुख्तार के खास माने जाने वाले उमेश सिंह की 3 मंजिला बिल्डिंग पर भी बुलडोजर चला। 2022 में मऊ सदर से जीते मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी का घर भी ढहा दिया गया। 4 साल के अंदर मुख्तार की 650 करोड़ की प्रॉपर्टी पर सरकार कार्रवाई कर चुकी है। इसमें 291 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, जबकि 285 करोड़ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला। बाकी प्रॉपर्टी पर अलग अलग लेवल पर कार्रवाई चल रही है। सिर्फ मऊ में ही मुख्तार की 200 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। पुलिस और ईडी अब भी गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, लखनऊ के अलावा पूर्वांचल के कई जिलों में मुख्तार की प्रॉपर्टी तलाश कर रही है। अभी 2 दिन पहले गाजीपुर के लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजल अंसारी साहब को मुख्तार अंसारी ने बताया था कि उनकी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, क्योंकि उनको कुछ अहम मामलों में पेशी होना है जिसमें कुछ लोग मुलजिम साबित होने हैं। हम मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष तरीके से जांच कराया जाना चाहिए कि आखिर उनकी सेहत के मामले में उनकी जो ये मौत हुई है उसका सच क्या है। बाबा की आशीर्वाद है, जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। होली का इतना बड़ा त्योहार, बहुत बड़ा देखी होली के त्योहार, हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। १९९० के दशक में मुख्तार अंसारी जब राजनीति में आया तो उसके पास मारुति जिप्सी, टाटा सफारी, फोर्ड एंडेवर, पजेरो स्पोर्ट, ऑडी, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियों का शानदार कलेक्शन था। उसके पास एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक एम्बेसडर कार और एक जीप भी थी। उसकी ज्यादातर गाड़ियों का नंबर 786 हुआ करता था। ऐसे में सवाल है कि बैंक खातों में कुछ लाख रुपयों का होना क्या बताता है, क्योंकि आज भी मुख्तार का परिवार महंगी महंगी गाड़ियों से चलता है। इनकी कीमत करोड़ों में है। उत्तर प्रदेश में लगातार कस्टडी डेट बढ़ती चली जा रही है, ये चिंता की बात है। सजा देना, न्याय करना, ये न्यायपालिका का काम होता है। मुख्तार अंसारी की फैमिली लगातार कह रही थी कि जहर दिया जा रहा है, जहर दिया गया है, उन्हें शंका हो रही थी, तो इस पर उसी समय कार्रवाई करनी चाहिए थी। आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक सवाल उठता है। दूसरा सवाल उठता है कि कोई भी अगर न्यायिक हिरासत में है तो उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, क्योंकि सजा तो और न्याय तो न्यायपालिका देगा। उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है, ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आरोप लगाना कि उसे जहर दे दिया गया है या उसे मार दिया गया है, मैं समझता हूं कि ये सर्वथा निर्मूल है और इसे खंडन किया जाना चाहिए। मुख्तार अंसारी एक क्रिमिनल था, एक डॉन था, एक माफिया था, और उसकी मौत पर कोई बहुत ज्यादा विचार नहीं करने की आवश्यकता है, उसकी एक नेचुरल मौत हुई होगी। मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है। जब जनाजा कालीबारा कब्रिस्तान पहुंचा तो वहां भारी सुरक्षा लगाई गई थी, धारा 144 भी लगी थी, और इस दौरान मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बहस शुरू हो गई। फातिहा हो चुका है, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया। जो समर्थक आए थे उनको क्या अपील करेंगे? कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे लें, कल दे लें, जब चाहे आके फातिहा पढ़ लें, मजार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी रोक है, लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं है। समर्थकों से क्या अपील करेंगे, जो उनके जो आए थे काफी बड़ी संख्या में, उनसे क्या अपील करते हैं, किस तरह की अपील करते हैं? शांति व्यवस्था बनाकर रखें, और जिन लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया है सभी की वीडियोग्राफी हुई है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, बाकी सब शांतिपूर्ण हो गया। 5 बार विधायक बना, 65 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए, जेल के अंदर रहते हुए भी जमकर पैसा कमाया और रुतबा बढ़ाया, और फिर एक केस ने उसकी जमीन कमजोर करनी शुरू कर दी। मुख्तार का ग्राफ तब गिरने लगा जब 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई। मुख्तार अंसारी पर हत्या का आरोप लगा, उस वक्त भी वो जेल में बंद था, लेकिन मुख्तार को इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना गया और तब से ये केस जारी है। माफिया सरगना मुख्तार अंसारी का बांदा जेल में मृत्यु हो चुकी है, जैसा कि वहां के डॉक्टरों के पैनलों ने बताया कि मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है।
पर मेरा व्यक्तिगत तौर से ये मानना है कि आज बाबा गोरखनाथ के दरबार में भले ही देर है और अंधेर नहीं है, और इसको मैं ये भी एक तरीके से देख सकता हूँ कि इस रमज़ान के पावन पर्व पर इस पावन महीने में ये अल्लाह का मैं न्याय कहूँ या भगवान का न्याय कहूँ, क्योंकि मेरे लिए दोनों एक ही हैं। जिस तरीके से जुडिशियल कस्टडी में, थानों के अंदर, जेलों के अंदर लोग मर रहे हैं या उनको मारा जा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं नंबर वन श्रेणी में आ रहा है। स्पष्ट रूप से कानून व्यवस्था का मामला है, भ्रष्ट कानून व्यवस्था है। मुख्तार अंसारी ने कुछ समय पहले ही धीमा जहर दिए जाने का आरोप लगाया था, उसके बाद भी प्रशासन ने कोई संज्ञान उसका नहीं लिया। इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। कृष्णानंद राय हत्याकांड से पूरा पूर्वांचल दहल उठा था, यही वारदात मुख्तार अंसारी के लिए काल बन गई। अंजाम ये हुआ कि वो कभी भी जेल से बाहर ही नहीं आ सका। कृष्णानंद राय की हत्या सामान्य हत्या नहीं थी। कहा जाता है कि हमलावरों में से एक हनुमान पांडे ने कृष्णानंद राय की चुटिया काट ली थी। अस्सी के दशक से दबंगई की शुरुआत करने वाले मुख्तार अंसारी ने 90 के दशक में अपनी धमक ऐसी दिखाई कि वो पूर्वांचल की राजनीति को नचाने लगा, लेकिन अगले दो दशकों में उसकी सल्तनत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। सवाल है कि अगर मुख्तार का राज 15,000 करोड़ का है तो उसका अगला वारिस कौन होगा। दूसरा सवाल ये कि क्या मुख्तार के अंत के बाद उसकी क्राइम कुंडली का विस्तार होगा, क्योंकि अरबों की बेनामी संपत्ति संभालने वाला कोई तो होगा, या फिर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा।